सात दिनों के अमरीकी दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में। आज प्रधानमंत्री ने ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। बैठक में 17 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारतीय कंपनी पेट्रोनेट और अमरीकी कंपनी टेलुरियन के बीच प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी के समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। ह्यूस्टन ने ऊर्जा क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक से इतर इन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ह्यूस्टन में होने वाले पीएम मोदी के मेगा शो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां के माहौल में जोश साफ दिखाई दे रहा है। टेक्सास इंडिया फोरम की ओर से ह्यूस्टन के एलआरजी स्टेडियम में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों, वंचितों और कमजोरों के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाकर देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आईआईएम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जो आर्थिक मंदी दूर करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स कम किया है, उसका प्रभाव दिखने लगा है। शेयर मार्केट तेजी से आगे बढ़ा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने तेलीबाग लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया परिकल भवन के सभागार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अवर अभियंता के 73 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रामपुर में उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही नगर पालिका परिषद ने 24 घंटों के भीतर चुनाव आयोग के आदेश का पालन करते हुए राजनीतिक दलों के होर्डिंग उतारने शुरू कर दिए। जनपद हमीरपुर सदर में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बाइक रैली निकाली गई। इसमें सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो के नारे के साथ स्कूली बच्चों ने भी सहभाग किया। मिर्जापुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा में फंसे ग्रामीणों को मिल रही सुविधा और उन्हें मदद के लिए गए। नगर विधायक रत्नाकर मिश्र गंगा की लहरों में फंस गए, लेकिन बाद में प्रशासन की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट पर विशेष सफाई अभियान को लेकर एक दिवसीय दौरे पर हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने पर जोर दिया। मुरादाबाद में रेलवे सिग्नल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर यात्रियों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। मंडलीय रेलवे अधिकारियों द्वारा पॉलीथीन रोकने तथा रेलवे स्टेशन को स्वच्छ रखने के लिए श्रमदान किया गया। शोधों के डर से पढ़ाई छोड़ने वाली बरेली की पहाड़पुर की छात्राओं को केंद्र सरकार ने मॉडल इंटर कॉलेज का तोहफा दिया है। इस कॉलेज के बनने के बाद कई गांवों की छात्राओं को आगे पढ़ाई का मौका मिलेगा। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। चकबंदी विभाग का राजस्व विभाग में विलय को लेकर महासंघ ने 10 अक्टूबर तक मांगे न पूरे होने पर कार्य बहिष्कार की घोषणा की। भगवान श्री राम के आदर्शों और उनके जीवन चरित्र से युवा पीढ़ी का परिचय कराने के लिए इन दिनों चित्रकूट में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। भगवान राम द्वारा स्थापित आदर्श हमें समाज में रहने की कला सिखाते हैं, जिससे मानव जाति का उत्थान हो सके। और मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के आह्वान पर मेरठ में पहली फिट इंडिया दौड़ आयोजित की गई। दौड़ के दौरान फिट इंडिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए फिट इंडिया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए।